नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आरसीबी टीम के शानदार युवा खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी शहबाज अहमद के बारे में, जहां पर दोस्तों बात करेंगे कि शहबाज अहमद का करंट फॉर्म जो है वो कैसा है। इसके साथ ही बंगाल T20 लीग में उन्होंने कितना शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से आरसीबी टीम जो है IPL 2021 में उन्हें रिटेन भी कर सकती है। तो भाइयों, क्या है अपडेट, क्या है खुशखबरी आरसीबी टीम से जुड़ी हुई, शहबाज अहमद को लेकर सारी बातचीत आगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ाना अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शहबाज अहमद जो है IPL 2020 में आरसीबी टीम के लिए कुछ ही मैचेस खेले, लेकिन उनमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। उन्हें जब भी गेंदबाजी करने का मौका मिला, उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें बल्लेबाजी के ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन फील्डिंग में भी उन्होंने अच्छा दमखम दिखाया और फील्डिंग भी शानदार की। इसी वजह से दोस्तों, शायद आरसीबी टीम अगर मिनी ऑक्शन होता है IPL 2021 में, तो शहबाज अहमद को रिटेन भी कर सकती है, उन्हें एक और चांस दे सकती है। वहीं दोस्तों, हाल ही में बंगाल T20 लीग भी खेला गया, जहां पर शहबाज अहमद ने शानदार बल्लेबाजी की और शानदार गेंदबाजी भी की। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से आरसीबी टीम जो यही चाहेगी कि अगले सीजन जो है, अगर मिनी ऑक्शन होता है, मेगा ऑक्शन नहीं होता है, तो फिर शहबाज अहमद को टीम में हर हाल में शामिल किया जाए, उन्हें रिटेन कर लिया जाए। दोस्तों, शहबाज अहमद के ऑलराउंड खेल के दम पर तपन मेमोरियल ने बुधवार को मोहन बगान को 33 रनों से हराकर बंगाल T20 चैलेंज का खिताब जीत लिया। आरसीबी की तरफ से खेलने वाले शहबाज अहमद ने 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 41 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली, जिससे तपन मेमोरियल ने 6 विकेट पर 145 रन बनाए। शहबाज ने इसके बाद 10 रन देकर 5 विकेट भी हासिल किए। मोहन बगान की टीम को 18 ओवर में 112 रन पर आउट करने में अहम भूमिका जो है शहबाज अहमद ने ही निभाई। शहबाज ने जीत के बाद कहा कि ये मैंने तपन मेमोरियल के लिए किया, कल शाम मुझे छोटी सी चोट थी और फिजियो आदित्य दा ने मुझे आज के दिन फिट होने के लिए कड़ी मेहनत की। बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 6 टीमों की बंगाल T20 चैलेंज टूर्नामेंट दोस्तों ईडन गार्डन्स पर कोरोना काल के बाद करीब 8 महीने बाद क्रिकेट की वापसी हुई थी। ऐसे में शहबाज अहमद का प्रदर्शन जो है, ऑलराउंड प्रदर्शन जो है, इस लीग में शानदार रहा। उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की और गेंदबाजी भी अच्छी की, उनकी टीम जो है चैंपियन भी बन गई। अब इसीलिए दोस्तों, आरसीबी टीम की निगाहें जो है उनके इस प्रदर्शन पर होने वाली है, और आने वाले डोमेस्टिक सीजन पर भी शहबाज अहमद की नज़र होगी, जहां पर वो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आरसीबी टीम जो है अगले सीजन के लिए उन्हें रिटेन भी कर सकती है। शहबाज एक शानदार युवा सितारा है, उनके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं है। लेफ्ट आर्म से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में भी वो कमाल के शॉट्स लगाते हैं, अच्छी खासी पारियां खेलने में वो माहिर हैं। इसी वजह से दोस्तों, आरसीबी टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर शहबाज अहमद जो है शानदार लय में नजर आ रहे हैं, और अगले साल हो सकता है उन्हें आरसीबी टीम में मौका दिया जाता है, तो फिर वो आरसीबी टीम के लिए प्लेइंग 11 में खेल कर वो कुछ अच्छा कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।